नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DRDO भर्ती के बारे में, जो कि निकली हैं 1817 पदों पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये हैं आपकी MTS की मल्टी टास्किंग स्टाफ। वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जो योग्यता है और क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको इस नौकरी के कुछ अलग फ़ायदे भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो आपकी डेट है, जिस तारीख तक आपकी एज और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए, वो है 23 जनवरी। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम पद कितने हैं। तो पद आप देखेंगे कि 1817 पद हैं जिनके लिए चयन होना है। अब बात करते हैं दोस्तों, सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये लेवल वन की नौकरी है, लेवल वन की नौकरी में 18,000 जो है इसकी बेसिक होने वाली है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आपकी पोस्टिंग है तो आपकी जो तनख्वाह बनेगी वो बनेगी दोस्तों 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में, ये होने वाला है। इसके साथ में जो भी फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं होती हैं वो तो मिलेंगी ही, जैसे कि मान लीजिए क्वार्टर की फैसिलिटी है, जो सरकारी मकान है, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, साथ में एक फैसिलिटी ऐसी है जो कि आपको बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग मिलेगी, वह है दोस्तों CSD। CSD क्या होता है दोस्तों, ये जो कैंटीन होती है, जितने भी हमारे डिफेंस के एम्प्लॉई होते हैं, खासकर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। जो भी सामान मार्केट में मान लीजिए 50 रुपये का है, तो अगर आप कैंटीन से लेंगे तो वो 30 या 35 रुपये का आपको मिलेगा, और हर आइटम अलग अलग तरीके से। तो आपको वो जो कैंटीन है जो टैक्स फ्री होती है उसमें जो है आपको सुविधा मिलेगी, उसका कार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो सुविधा है बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग आपको हटके मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉइज़ को। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं इसमें जो है दोस्तों पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलने वाली है। तो कई लोग कहते हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कहीं साउथ में तो नहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आगरा है, और इस तरीके से और भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह दे रखी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी इसका ऑफिस है तो वहाँ पर भी आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसमें प्रिफ्रेंस भरवाई जाएगी, और जिसके लिए भी आप मेरिट के अकॉर्डिंग आप फिट बैठेंगे आपको वो वाली जो है दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एज इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एज भी देखते हैं यहाँ पर। अभी एज इसके बारे में बताया गया होगा दोस्तों, और ये उस वाले एग्ज़ाम से कैसे डिफरेंट है जो कि SSC MTS का होता है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। SSC MTS के अंदर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, मगर आपको नहीं पता होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। हो सकता है उसके अंदर भी दोस्तों एक कैडर होता है AFHQ का, जिसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा सकते हैं, मगर वो डिसाइड नहीं कर सकते आप कि कब कैसे जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, मगर इसमें ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही रहेंगे। इसके लिए योग्यता जो है वो है आपकी हाई स्कूल, यानी कि 10th होना चाहिए, और उसके साथ में जो है कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10th है। मगर इसके अंदर 2 टीयर होने वाले हैं, Tier 1 और Tier 2। कहने को तो दोस्तों ये एक MTS का एग्ज़ाम है, मगर क्योंकि जब आप इतनी प्रतिष्ठित संस्था के अंदर जाने वाले हैं DRDO, तो वहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और आप देखेंगे सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप UP के रहने वाले हैं, MP के रहने वाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेंटर इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब बात आई कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम दोस्तों ये बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराएगा। अभी कोई डेट ऐसी तो नहीं दी गई है, मगर जिस हिसाब से DRDO एग्ज़ाम कराता है, अपने पुराने एग्ज़ाम जो कराता है, तो ये चीज़ें जल्दी ही घोषित की जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्क्रीनिंग की, कि किस तरीके का ये एग्ज़ाम होगा। तो स्क्रीनिंग में आप देखेंगे कि 3 टॉपिक हैं,
सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका रीजनिंग, दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस और फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके अंदर पहले वाले में आपका इंग्लिश नहीं आएगा, स्क्रीनिंग वाले में किसी भी प्रकार की इंग्लिश नहीं आने वाली है, ये 90 नंबर का होगा। मगर जो फाइनल वाला जो होगा टीयर टू जिसे बोलते हैं सिलेक्शन के लिए, इसके अंदर आपकी साइंस, मैथ और इंग्लिश ये टॉपिक आने वाले हैं। और ये किस लेवल के रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 10th लेवल की वैकेंसी है, तो 10th ही लेवल के, इससे ज़्यादा के इसमें नहीं होने वाले हैं। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, जितनी वैकेंसी हैं मान लीजिए 1800 वैकेंसी हैं, तो 18,000 बच्चों को इसमें टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:10 के रेशो में बुलाया जाएगा टीयर टू के लिए, और फिर टीयर टू पर फाइनल मेरिट बनेगी और उसी पे ही सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और कोई सूचना अभी देखते हैं, आपको बता देते हैं इसमें जो बताया गया हो। तो ये तो रही दोस्तों सिंपल। अब आप कई लोग हैं जो इसमें ग्रेजुएट होंगे, कई लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, अलग अलग तरीके की आपने डिग्रियां प्राप्त की होंगी, मगर उसके बाद भी दोस्तों बेरोजगार होंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में आएगा, मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है कि क्या मैं इस फॉर्म को डालूं, MTS लेवल की है, मतलब सबसे लोएस्ट नौकरी है, तो क्या ये मुझे फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कहीं मेरे सम्मान को ठेस ना पहुँचे। दोस्तों मैं 5-6 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हूँ और मैं आपको अपने बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना करियर एज ए MTS शुरू किया, मगर वो इतने परिश्रमी निकले, वो इतनी मेहनत करते रहे बाद में कि वो एक्साइज इंस्पेक्टर भी बने। और आपको पता होगा जिन्होंने, कई लोगों ने तो IAS और PCS के एग्ज़ाम भी निकाले। तो जो भी लोग फाइनेंशियली जो है थोड़ा सा वीक हैं और जिन्हें ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, IAS या PCS से नीचे की बात करूँ मैं तो। अगर आप फाइनेंशियली, देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे, मेरे हिसाब से मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताऊँ तो आपको ये फॉर्म डालना चाहिए, इसे पास करना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों देखिए, आप देख रहे होंगे कोई भी भर्ती हो 2 साल 3 साल, मतलब उत्तर प्रदेश की भर्ती देखिए या फिर आप SSC की देखिए, कितना लंबा समय लग जाता है फॉर्म डालने से लेकर ज्वाइनिंग तक, ये आप लोगों को ही पता है। मगर DRDO इसमें एक ऐसा संस्थान है जो कि अपनी परीक्षाएं जो हैं समय से कराता है और ज्वाइनिंग भी जो है आपकी टाइम से करा देगा। फिर होगा क्या दोस्तों, कई बार हमारे साथ सर्विस में ही इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई करने वाला नहीं होता है वो भी करने लगता है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने इस नौकरी को ज्वाइन किया MTS में, आपको MTS के कार्य पता ही हैं किस तरीके के कार्य होते हैं, और मान लीजिए कोई आपका सीनियर है, आपके पास तो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है मगर वो 10+2 ही है, ये मान लीजिए। ठीक है, आप PG हैं, वो 10+2 है और 10+2 से LDC लगा हुआ है, तो वो LDC आपका सीनियर हो गया, आप MTS हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको ये महसूस होने लगेगा खुद ब खुद कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। MTS हो के कभी भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की हो कि वो तैयारी करना छोड़ दे, बल्कि उसकी जो तैयारी करने की स्पीड है कई गुना हो जाती है। ये चीज़ मैंने देखी भी है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो हमारा एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर जॉब प्रोफाइल है, वहाँ पर एक पर्सन थे जिन्होंने MTS में रहते हुए SSC का एग्ज़ाम निकाला, SSC CGL का, और उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को हासिल किया। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो इतनी इंस्पायरिंग मुझे स्टोरी लगी। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं MTS का फॉर्म नहीं डालूंगा, ये मेरी इज्जत पे बात है। दोस्तों मत बताइए, आपको बताना किसे है कि मैं कौन सा फॉर्म डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, ये बात अलग की है। ठीक है, मगर आप इस फॉर्म को डालिए, इसे क्वालिफाई कीजिए, या तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, जिसे ज़रूरत होगी।